हाय गाइस, वनक्कम। स्वागत है आपका मसालेदार कुकिंग में। आज हम बनाएंगे सांबर एंड डोसा, प्रॉपर साउथ इंडियन स्टाइल। पहले हम सांबर बनाएंगे। सांबर के लिए हमें तुअर या अरहर की दाल चाहिए होगी। यहाँ मैंने एक कप से थोड़ी कम अरहर की दाल ली है। इसे हम अच्छे से धोएंगे 2 से 3 बार और करीब 20 से 30 मिनट तक इसे भिगो देंगे। और जब तक हमारी सांभर की दाल भीग रही है, हम काटेंगे कुछ सब्जियाँ जो हम सांभर के साथ ही उबालेंगे। यहाँ मैंने लिए हैं करीब 10 से 15 बीन्स, 2 गाजर और थोड़ी सी लौकी। अब इन सब्जियों को आप अपने पसंद से काटें। अगर आपको बड़ी बड़ी सब्जियां पसंद है सांभर में, तो आप बड़ी सब्जियां काटिए, नहीं तो आप छोटी छोटी भी काट सकते हैं। आपको जैसी पसंद है आप वैसे काटें। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने सांभर के लिए ड्रम स्टिक का भी यूज़ किया है, तो अगर आपकी जगह पर ड्रम स्टिक मिलता हो तो ज़रूर डालिएगा। इससे टेस्ट बहुत इन्हांस होता है। और अगर नहीं मिलती हो तो कोई बात नहीं। अब ड्रम स्टिक को हम थोड़ी थोड़ी छील के पानी में अराउंड 2 से 3 मिनट उबाल लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ड्रम स्टिक उबल गई है और दाल भी भीग गई है, तो अब ये ड्रम स्टिक हम इस दाल में डाल देंगे। अब इसके साथ साथ हमने जो वेजिटेबल्स काटी थी सांभर के लिए, वो भी इसी में डाल देंगे। अब सांभर उबालने के लिए इसमें डालेंगे 1 कप पानी, 1 से 1.5 स्पून नमक और हल्दी। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने सांभर में बहुत सारी सब्जियां डाली हैं, तो आप भी इसी तरह बहुत सारी सब्जियां डालिए, जिससे ये सांभर और भी हेल्दी बन जाएगी। अब इसे हम कुकर में बंद करके 4 विसल तक वेट करेंगे। 3 विसल आप लीजिए हाई फ्लेम पे, 1 सिम करके 15 मिनट तक इसे पकाइए और फिर बंद कर दीजिए। तड़के के लिए मैंने लिए हैं सांभर अनियंस, तो ये स्पेशली सांभर के लिए होते हैं। आपके जगह पे मिलते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलते हैं तो आप नॉर्मल अनियंस भी डाल सकते हैं। चाहिए होंगे हमें बारीक कटे टमाटर, तो आइए उसे भी चॉप करते हैं। और जैसे आप देख सकते हैं, सांभर बिल्कुल उबल चुकी है और सब्जियाँ भी पक चुकी है, तो आइए पहले इसको थोड़ा सा विस्क करेंगे और फिर इसका तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए हम लेंगे 1 कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल, फिर डालेंगे हम 1/2 टीस्पून राई और 1/2 टीस्पून कटी उड़द की दाल। जैसे ही उड़द की दाल का थोड़ा सा रंग बदले, उसमें डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्च, फिर डालेंगे उसमें कुछ कड़ी पत्ता या मीठा नीम, और इसी के साथ हम डालेंगे 1 स्पून बारीक कटा लहसुन। और अब इस मिक्सचर को अच्छे से पकाएं। और जैसे आप देख सकते हैं, लहसुन का रंग बदल गया है, तो अब इसमें हम डालेंगे 1 कप प्याज। मैंने सांभर अनियंस और नॉर्मल अनियंस दोनों मिक्स किए हैं, तो आपके वहाँ जो भी मिले आप डाल लीजिएगा। अब इस मिक्सचर में हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, हल्दी के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप बारीक कटे हुए टमाटर,
एक स्पून नमक और अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे हम ढक के धीमे आंच पे अराउंड 10 मिनट तक पकाएंगे। अब जैसे आप देख सकते हो टमाटर प्याज और सब कुछ अच्छे से पक गए हैं, तो अब इसमें हम मिलाएंगे सांबार मसाला। करीब 1 से 1.5 टेबलस्पून सांबार मसाला आप मिलाइए। और याद रहे, सांबार मसाले के पहले या बाद में और कोई भी मसाला ना यूज़ करें। एक्स्ट्रा मिर्ची या धनिया पाउडर, जीरा पाउडर कुछ भी ना डालें, ओनली सांबर मसाला डालें। अब इस मसाले को भी हम करीब 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया, आधा अभी डालेंगे और आधा बाद में डालेंगे। जैसे आप देख सकते हो ये सब कुछ पक चुका है और अब ये मिक्सचर तेल छोड़ने लगा है, तो अब हम इसमें मिलाएंगे उबली हुई सांभर की दाल। और जैसे आप देख सकते हो सांभर ऑलमोस्ट रेडी है। अब इसमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट डालना है और वो है इमली चटनी। अगर आपके पास इमली हो तो आप इसे बेशक भिगोए गुड़ के साथ अच्छे से धोके और फिर सांभर में डालिए। अगर नहीं है तो आप रेडीमेड इमली चटनीज भी यूज़ कर सकती हैं। करीब 1 टेबलस्पून इमली चटनी इसमें जाएगी। अब इस सांभर को आप धीमी आंच पर 5 मिनट तक ढक के अच्छे से पकाएं। और रेडी है आपकी ऑथेंटिक साउथ इंडियन सांबर। गार्निश करें इसे कोरिएंडर के साथ और सर्व करें। इस सांबर को आप डोसे के साथ खा सकते हैं, इडली के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं, किसी के भी साथ खा सकते हैं। ट्राई करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी सांभर कैसी बनी। यहाँ मैं डोसा के साथ सर्व कर रही हूँ। अगर आपको इडली डोसा बैटर का डिटेल रेसिपी चाहिए तो आप मुझे DM करिए या कमेंट कर दीजिए, तो मैं इसकी एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो बना दूँगी। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। आपकी एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।